अब हम देखेंगे कि एक मॉडल पॉपअप किस तरह बनता है। तो इसकी एक स्मॉल एग्जांपल देखते हैं और इसको अब हम सीखते हैं किस तरह हम इसकी कोडिंग करेंगे। सबसे पहले हम एक डिव लेंगे, डिव को हम देंगे क्लास मॉडल फेड। ये उसका उसकी एक एनिमेशन है किस तरह ये शो होगा। कोई भी इसको अपने एक आईडी दे देना है, माई मॉडल, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर होता है, आपने इसे डायलॉग बॉक्स बनाना है। अब डिव सारा डायलॉग बॉक्स हमारा इसके अंदर होगा, क्लास मॉडल डायलॉग, और इसको हम कहते हैं जी मॉडल स्मॉल। मैं इससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पास कौन कौन सी इसके अंदर क्लासेस अवेलेबल हैं। एक हमारे पास इसके अंदर क्लास है डाटा कीबोर्ड, डाटा डैश कीबोर्ड एक एट्रीब्यूट है इसका, एट्रीब्यूट एंड क्लासेस। इसको अगर फॉल्स कर देंगे तो आप एस्केप से क्लोज नहीं कर सकते किसी हमारे इस डायलॉग बॉक्स को, ठीक है। और इसके बाद अगर हम कहते हैं जी मॉड डाटा बैकड्रॉप, इसको अगर स्टैटिक कर देते हैं तो अगर आप आउटसाइड क्लिक करेंगे उस मॉडल के तो फिर भी वो आपका क्लोज नहीं होगा। इस तरह फेड क्लास है एनिमेट करने के लिए, और मॉडल स्मॉल है क्रिएट अ स्मॉल मॉडल, और मॉडल लार्ज है एक लार्ज मॉडल क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी अब इन चीज़ों को हम किस तरह यूज़ करेंगे। तो ये मेरा स्मॉल मॉडल है, और इसके बाद जो इसके अंदर कंटेंट आ रहे हैं उसको देखते हैं हम। डिव क्लास मॉडल कंटेंट, ठीक है। और मॉडल कंटेंट के अंदर अब इसके हैं मॉडल हेडर, मॉडल सॉरी मॉडल क्लास है, सॉरी मॉडल हेडर, ठीक है। और मॉडल हेडर के अंदर हम इसको हेडिंग देंगे H4, और मैं कहता हूँ जी माई हेडर। और इसके बाद जैसे ही हेडर ख़त्म होता है मॉडल बॉडी, डिव क्लास मॉडल बॉडी, ठीक है, दिस इज मॉडल बॉडी। और बॉडी के बाद इसमें आ जाएगा हमारा फुटर, डिव क्लास मॉडल फुटर, दिस इज फुटर। तो ये असल में हमारा पूरा इसका जो है वो लेआउट बनता है। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे आपको कुछ नज़र नहीं आएगा, तो आपको यहाँ बटन लगाना पड़ेगा कि आप इस मॉडल को उस पर क्लिक करने से शो कर सकें। तो अभी मैं टाइम बीइंग बटन नहीं लगाता, मैं इसको वैसे ही शो कर देता हूँ। डॉलर साइन नंबर साइन दिस इज़ नेम एंड देन आई से मॉडल शो। तो ये आपका मॉडल शो हो रहा है, और ऐसे ही आप मॉडल हाइड कर सकते हैं। अब देखें इसमें ना तो मैं स्केप से इसको कुछ कर पा रहा हूँ ना बाहर क्लिक करने से। ये सॉरी ये मैंने अभी क्लासेस इसको प्रोवाइड नहीं की, मुझे ये क्लासेस पहले प्रोवाइड करनी है। तो ये क्लासेस मैं इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ यहाँ पे, जब मैंने इसको मॉडल बनाया है तो इसको मैं कहता हूँ मेरे पास जो इसके पास फर्स्ट जो चीज़ आ रही है वो है डाटा कीबोर्ड फॉल्स, और दूसरा है डाटा बैकड्रॉप स्टैटिक। अब मैं इसको दोबारा आपके सामने रन करता हूँ, इसी मॉडल को फर्स्ट शो करते हैं हम इसको, माई मॉडल शोइंग। और ये आई थिंक इसमें कोई इशू आ रहा है, डाटा स्टैटिक, और इसके बाद लेट मी सी दिस मॉडल फेड होएगा, लॉगिन है कीबोर्ड है, और ये बैकड्रॉप है इसका नाम डाटा। ये देखें ये चीज़ गलती की हुई है, तो यहाँ पे डाटा बैकड्रॉप, डाटा बैकड्रॉप। तो अगर आप ये लिखेंगे डाटा बैकड्रॉप स्टैटिक, तो अब ये आपका बाहर क्लिक करने से ये चीज़ आपको क्लोज नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अब ये देख सकते हैं आप क्लिक किया मैं आउटसाइड या एस्केप प्रेस करता हूँ तो मेरा डायलॉग बॉक्स क्लोज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा एक सिंपल मॉडल है। तो अब आपको एक असाइनमेंट ये देते हैं कि बल्कि असाइनमेंट क्या मैं नेक्स्ट अभी आपको बता देता हूँ कि अगर हमने इसको
लॉगिन बना लेते हैं, ठीक है। हम इसको एक लॉगिन पेज बना लेते हैं, या चले आपको एक असाइनमेंट ही दे देते हैं। आपने ये करना है कि इसमें यहाँ पे आपका लॉगिन पेज बटन लगा हो, आप लॉगिन बटन को क्लिक करें तो यहाँ पे आ जाए आपका लॉगिन लिखा हुआ। इधर यूज़र, यानी आपने उसके बाद एक वर्टिकल फॉर्म बनाना है, यूज़र यहाँ लिखा है, यूज़र का यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स आ जाए, फिर पासवर्ड है और पासवर्ड मांगे, और यहाँ पे लॉगिन और क्लोज का बटन हो इस जगह पे। तो ये आपकी असाइनमेंट है, तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन मौजूद होगा। तो आपको देखते हैं आप किस तरह ये चीज़ बनाते हैं। आप पहले खुद ट्राई करें, फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा हम किस तरह लॉगिन फॉर्म बनाते हैं। थैंक यू वेरी मच।